हेलो गाइस, टेक रन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम लोग के साथ ये जरूर होता है कि हम इंटरनेट में कोई काम कर रहे होते हैं और सामने से कॉल आने लगता है, जिसकी वजह से जो हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं। या फिर हो सकता है आप ऑनलाइन मूवी देख रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं, उसी बीच में कॉल आ जाता है तो इसमें भी आपको थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जितने भी कॉल्स आते हैं उन सबको ब्लॉक करके सिर्फ इंटरनेट यूज कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सिंपल सा ट्रिक है जो आप लोगों को ज़रूर पता होगा, बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। इसमें बेसिकली आपको क्या करना होगा, जिस नंबर पे आप नेट चलाना चाहते हैं उसके जितने भी कॉल्स हैं उनको आप फॉरवर्ड कर दो किसी एक ऐसे नंबर पे जिसमें या तो रिचार्ज ख़त्म हो गया है या फिर वो आपका ही नंबर है और बंद पड़ा है। तो ये ट्रिक जियो यूज़र के लिए है, अगर आप जियो यूज़र हो तो ये ट्रिक आपके काम आने वाली है। इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने फ़ोन के डायलर में जाना है। मैं फिर बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये जियो यूज़र के लिए है, अगर एयरटेल, आइडिया, वोडा कोई भी अलग सिम है तो ये वर्क नहीं करेगा। डायलर में जाने के बाद आपको डायल करना है *401*। इसके बाद आपको वो नंबर टाइप करना है जो आपका बंद पड़ा है। तो मैं एक नंबर डायल कर लेता हूँ, इसके बाद आपको कॉल कर देना है। अब आपके नंबर के बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग इज नाउ एक्टिव ऑन योर नंबर। अब आप इसमें इजीली नेट चला सकते हैं क्योंकि जितने भी कॉल्स आएंगे वो फॉरवर्ड होके उसी नंबर पे चले जाएंगे जो अभी हमने यहाँ पे डायल किया है, जो हमारा बंद पड़ा है। तो जब भी आप इंटरनेट में कुछ काम कर रहे होते हैं तो इसको डायल कर लेना है और कॉल फॉरवर्डिंग कर देना है। उसके बाद जैसे ही आपका काम ख़त्म हो जाता है, वापस से कॉल फॉरवर्डिंग को हटाने के लिए आपको फिर से अपने फ़ोन के डायलर में जाना है और यहाँ से टाइप करना है *402। बस इतना ही डायल करना है, उसके बाद कॉल कर देना। आपके नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। तो इस ट्रिक की मदद से कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है जब आप इंटरनेट में कुछ काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं या फिर ऑनलाइन मूवी देख रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।